दोस्तों, वैसे तो ये दुनिया रहस्यों से भरी हुई है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले एक ऐसे रहस्य का पता चला है जिसे देखकर आप बहुत ही दंग रह जाएंगे। और ये जगह थाईलैंड के कोंगलोंग के पास पाई गई है। यहाँ पर एक ऐसी चट्टान मिली है जो कि पूरी तरह से सांप से मिलती जुलती है, और यही चट्टान कुछ दिनों से चर्चा का विषय बनी हुई है। इस चट्टान को देखकर आप पूरी तरह से चौंक जाएंगे, क्योंकि ये चट्टान पूरी तरह से सांप के आकार की है, और इस चट्टान को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कोई असली सांप चट्टान बन गया हो। दोस्तों, भारत में नागों के बारे में बहुत कुछ लिखा जा चुका है, और क्या पता कि इस चट्टान से हमें नागलोक के अस्तित्व के बारे में भी पता चल जाए। यहाँ पर रहने वाले लोग इस चट्टान को एक शापित राजा कोलू के नाम से बता रहे हैं, और लोग ये भी कहते कि ये एक दिन चट्टान से सांप बन जाएगा और उसके बाद एक इंसान बन जाएगा। तो दोस्तों, आइए जानते हैं एक श्रापित राजा ओलू की कहानी। तो चलिए चलते हैं आज से लाखों साल पहले ओलू के समय में। इस जगह का नाम रक्तापा नाखेन और राजा ओलू थे। राजा की पत्नी का नाम केंगलिया और उनकी पुत्री का नाम केऊ काम था, जिसकी शादी संपत्ता से हुई थी, और उनका एक पुत्र था जिसका नाम फाउक था, और फाउक बहुत ही खूबसूरत और बुद्धिमान था। एक बार फाउक की मुलाकात एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से होती है जिसका नाम नाकरंत रानी था, और फाउक को उस लड़की से प्यार हो जाता है। और एक दिन फाउक नाकरंत रानी से शादी का प्रस्ताव रखता है। नाकरंत रानी ये सुनकर बहुत ही खुश होती है कि फाउक उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन नाकरंत रानी को मन ही मन ये चिंता रहती है कि जब फाउक को यह पता चलेगा कि वो इंसान है ही नहीं तो फाउक उसे छोड़ देगा। वास्तव में नागरंत रानी तो एक सरपोनी की महिला थी जिसे वास्तव में वहाँ की भाषा में नागा कहा जाता है। नागरंत रानी ने ही फाउक को पहले देखा था और उसे आकर्षित करने के लिए एक सुंदर लड़की का रूप लिया था, और अब इन सारी दुविधाओं से बचने के लिए अपने पिता के पास नागलोक चली जाती है। नागरंत रानी के पिता एक बहुत बड़े राजा थे, और नागरंत रानी एक इंसान से शादी करना चाहती थी, और इस बात से नागलोक के राजा बहुत ही परेशान थे, क्योंकि वो अपनी पुत्री की शादी किसी इंसान से नहीं कराना चाहते थे, लेकिन वो अपनी पुत्री की जिद की वजह से उसके आगे झुक जाते हैं, और नागरंत रानी और फारूक के शादी का समारोह रखते हैं जो कि 7 दिन तक चलता है। और उस वक्त किसी को भी ये पता नहीं होता है कि नागरंत रानी एक नाग कन्या है, और 3 साल तक सब कुछ अच्छे से चलता है, लेकिन नागरंत रानी को अब तक कोई भी संतान नहीं हुई थी, और ये चिंता उसको अंदर ही अंदर खाए जा रही थी, और मनुष्य के रूप में वो चिंता के मारे बहुत ही ज्यादा बीमार रहने लगी थी, और इस कारण उसने दोबारा से सरपोनी में जाने का निर्णय लिया। लेकिन इससे पहले वहाँ की एक नौकरानी ने नागरंत रानी को इंसान से सांप बनते देख लिया, और वो नौकरानी ये सब देखकर बहुत डर गई और वहाँ से भाग गई, और फिर नागरंत रानी के सांप में बदलने की बात पूरे राज्य में फैल गई, और फिर वहाँ के राज्य के लोगों ने और राजा ने उस पर बहुत ही जुल्म किया। नागरंत रानी ने मनुष्य के रूप में आने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन बहुत ही ज्यादा बीमार होने के कारण वो ऐसा नहीं कर पाई। राजा ओलू ने नागलोक के राजा को एक पत्र लिखा कि वो अपनी पुत्री को यहाँ से ले जाए, लेकिन इन सब से फाउक बहुत ही उदास हो गया था, क्योंकि वो इन सब में नागरंत रानी की कोई भी मदद नहीं कर पा रहा था। नागलोक के राजा अपनी पुत्री से बहुत ही प्यार करते थे, और जब वो अपनी पुत्री का हाल देखने आए तो बहुत ही क्रोधित हो गए, और अपनी पुत्री को अपने साथ ले गए, और जाते जाते एक कहा कि मैं अपनी सेना के साथ दोबारा वापस आऊंगा और रातपाना केन का नामोनिशान मिटा दूंगा। और उसी रात नागलोक के राजा अपनी सेना को लेकर वापस आए और रातपाना केन का नामोनिशान मिटा दिया, और रातपाना केन पूरी तरह से खून में रंग गया और पूरी तरह से जलमग्न हो गया, और वही रातपाना केन आज खोंगलुंग के नाम से जाना जाता है। और नागलोक के राजा ने ओलू को एक सांप बना दिया और उसे एक श्राप दे दिया कि जब तक रातपाना केन पूरी तरह से दोबारा आबाद नहीं हो जाता तब तक वो अपने सांप वाले रूप से कभी आज़ाद नहीं हो सकता, और तब तक के लिए हमेशा से ही पत्थर का सांप ही बना रहेगा। दोस्तों, आपको इसके बारे में क्या लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी दबाएं। मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार।